हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो हम भी एकदम मस्त हैं और आपके सामने हैं। तो दोस्तों, आज के ब्लॉग की जो शुरुआत है हम शाम के कर रहे हैं और शाम के 7 बज चुके हैं। रिशु भी ट्यूशन से आ चुका है और पेंटर भैया लोगों ने काम 6 बजे निपटा लिया था और उसके बाद हम लग जाते हैं अपने काम पे, तो इसलिए लेट होता है। और आज रिमी का बर्थडे था ना, तो आज कौन सा डे है, आज सैटरडे। सैटरडे रिमी का बर्थडे था तो ऋषु गया था उधर, तो भाभी ने ये भिजवाया हमारे लिए चाउमीन, समोसा एंड पेटीज वगैरह, काफी कुछ भिजवाया है। पेटीज की हड्डी पसली एक हो चुकी है और ये है समोसा, तो काफी चीजें हमारे लिए भिजवा रही थी। अब शाम को अब खाना खाने का तो मतलब ही नहीं होता। हाँ, तो मैं स्कूटी कैंट में लेके गया था पूरा, फिर अंकल ने कहा कि तुम अंदर नहीं जाओगे, जाने तो जा लो अपने रिस्क। तो चलिए, चाय भी बन चुकी है गर्मा गर्म और समोसे पेटीज का मजा लेते हैं। और आप लोग भी बने रहिए ब्लॉग में। घर का काम अभी ऐसा ही फैला हुआ है, थोड़ा बहुत झाड़ू पोछा कर लिया है, मतलब सोने लायक कि हमें बेड में नींद आ जाए, क्योंकि डस्टिंग वगैरह होती है ना, डेली का हो ही जाता है। तो जब तक ये पेंटिंग क्लियर नहीं होगी वो ऐसा ही रहेगा। तो ब्लॉग में बने रहिए, हम जाइएगा नहीं कहीं भी। चाय भी अच्छे से कर चुकी, डाल चुकी है इसमें, और यहाँ पे मामा भी आ चुके हैं। बर्तन मिल नहीं रहे ज्यादा बर्तन, इसलिए मैं ट्रे का यूज नहीं कर रही, मैं यही इसी में रख लेती हूँ ना चाय। हाँ, कोई बात नहीं, चलेगा ना चाय इसमें से थोड़ी और। ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। बाकी सामान, बाकी चीजें खाएं। चाय बन चुकी है हमारी गाइस। चलो इधर आ जाओ, आ जाइए मामा। और देखो यहाँ पे अच्छे से स्टेंसिल भी लगा दी, वाओ कितने प्यारे लग रही है। आपको कैसा लग रहे हैं? उनका व्यू ज्यादा नहीं दिखाना, अभी बाद में दिखाएंगे। अब हमने सारी तैयारी कर चुकी है, देख सकते हैं आप, जैसा कि तैयारी कर ली है, चाय बनाई और इसमें चीनी डालना भूल गई है। भगवान, ये पीहू की वजह से सब हुआ। पीहू नानी के घर चली, चाय तो तुमने मैंने बनाई थी, मगर इसकी वजह से मेरा ध्यान था कि इसको ये कब नानी के यहाँ से आएगी। अपनी नानी के यहाँ गई थी किसी कुछ देने के लिए और वहां से आते आते ये आती रही और फिर बीच में बाहर बच्चे चिल्लाने लग गए और मैं भूली गई चीनी डालना, तो ये चाय ने तो मजा किरकिरा कर दिया। जल्दी लाओ ये चीनी, किरकिरा कर दिया। अभी चाय गर्म है, एकदम से वो हो जाएगी। अरे ये मत देना, ये खोल दिया। घुलने के लिए एक चम्मच भी दो, तू ये चम्मच भी ले जा। अब हम यहां पे हम बोलेंगे हैप्पी बर्थडे रिमी, क्योंकि जब रिमी के यहाँ से पार्टी के लिए आ रखा है ये चीजें, समोसा चाउमीन वगैरह वगैरह, तो फिर रिमी का ही रिमी को विश भी कर देते हैं। तो आप खाना तो क्या ही खाना, रात को बनाना है? एक एक गिलास दूध पी लेना बोलिए। और देखो मामा तब से यहाँ पे चम्मच से खोल रहे हैं। तो दोस्तों चलिए अब रूम में चलते हैं। खा पी लिया तो हमने, खा तो हमने लिया ही है, खा पी लिया, खा तो हमने लिया ही है, और अब बस ये सोने की तैयारी है। इनको देखना आज कुछ नहीं करना है, बोल रहे हैं हम सो रहे हैं। तो क्या हुआ तुमको, ऐसे क्यों कर रहे हो तुम लोग? आठ दस हो रहे हैं ना? हाँ, तो दस तो नहीं हुए ना, आठ दस हो रहे हैं, दस तो नहीं हुए। कहाँ जाना है? हाँ तेरी बुक, हाँ बताए बताए। ट्रायंगुलर पार्क जाना क्यों है? क्यों जा सकते? चल ठीक है, अगर मैं नहीं उठाऊंगी तो चल देखती है कैसे जाती है। मैं उठाऊंगी नहीं ना, ये 10 बजे तक नहीं उठेगी, 8 बजे तो बहुत। प्लीज ना, प्लीज 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 नहीं। चलो ठीक है, चलो ठीक है, मैं एक बार उठाऊंगी, दो बार उठाऊंगी, अगर उठना होगा तो उठ जाएगी, फिर मैं बार बार नहीं बोलूंगी। क्योंकि मम्मी का अलार्म जो होगा 8 से 9 बजे के बीच में, अगर 8 बजे होगा तो 8 से 11 बजे तक होगा एडमिशन। अच्छा हाँ, और अगर 9 बजे होगा ना, हाँ अगर 9 बजे होगा तो 9 बजे होगा तो क्या, 9 से 12 बजे तक 3 घंटा चलेगा ट्यूशन। अच्छा, 3 घंटे? हाँ। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि हम भैया ने, क्योंकि भैया ने 2 दिन तो छुट्टी करी, तो उसको पूरा करने के लिए नहीं, पूरा करना है तो, क्योंकि भैया कल हमारे लेंगे बहुत अच्छा वाला टेस्ट। अच्छा हाँ, तो भैया ने कहा कि 3 घंटे, भैया ने कहा 3 घंटे का, भैया ने कहा 3 घंटे का। चलो ठीक है, चलो बाय, ब्लॉग की एंडिंग करते हैं इसी जगह पे। बाय बाय, बाय कर दो।
जी।